Hey guys, welcome back to our channel Shan Auto. Finally, Yamaha अपने MT125 model की launching time confirm कर दिया है, जो आपको 2023 में ही launch होती हुई देखने को मिल जाएगी. But exact time मैं आपको video के बीच में बताने वाली हूँ, इसलिए video को पूरा जरूर देखिएगा. Basically, अभी Indian market में 150 और 160 cc bikeों की price काफी high हो चुकी है, including MT15. जिस वजह से लोग अभी लोअर सीसी में एक ऐसे मॉडल को ढूंढ रहे हैं जिसका प्राइस तो अफोर्डेबल हो, फीचर्स भी काफ़ी अच्छे खासे दिए जाए एंड स्टाइलिंग में भी ये हायर सीसी बाइकों से कम ना हो. इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यामाहा अभी अपने MT125 को इंडिया में लॉन्च करने जा रही है, जो KTM के ड्यूक 125 के साथ कम्प्लीट करेगी. यामाहा की MT125 एक ऐसा मॉडल है जिसका लुक आपको बिल्कुल MT15 जैसे ही दिखाई देगी. दोनों के डिजाइन में आपको ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला. बाइक के फ्रंट की तरफ रोबोटिक फेस वाली एक LED प्रोजेक्टर हेडलाइट और LED डियर्स का इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा. स्टाइलिश कलर्ड अलॉय व्हील्स होंगे, मस्कुलर फ्यूल टैंक दिया गया है, सेम डिजाइन की LED टेल लाइट और इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, जो बिल्कुल आपको MT15 जैसे ही दिखाई देगी. ओवरऑल MT125 का लुक काफ़ी हद तक नेकेड सी और मस्कुलर डिज़ाइन निकल के आने वाला है, जिससे कि ये इजीली स्टाइल, पावर और फीचर्स के मामले में KTM ड्यूक 125 को टक्कर दे पाए. बाइक के अंदर इस बेहतरीन लुक के साथ साथ काफ़ी सारे प्रीमियम एलिमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगी, जैसे फ्रंट की तरफ USD फ्रंट फॉक्स होंगे, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन यूनिट और ब्रेकिंग्स भी काफ़ी बेहतर मिलने वाली है. फ्रंट की तरफ 282 mm के डिस्क और रियर में 220 mm के डिस्क ब्रेक्स विद सिंगल चैनल ABS. साथ में आप इस बाइक के अंदर एक 5 इंच के TFT स्क्रीन वाली फुल्ली डिजिटल कंसोल को देख पाएंगे, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बहुत सारे एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस सेगमेंट की बहुत कम बाइकों में ही ऑफर किया जाता है. लेकिन वहीं ड्यूक 125 में एक LCD डिस्प्ले ऑफर किया जाता है, तो MT125 डेफिनेटली फीचर्स के मामले में ड्यूक से आगे रहने वाली है. बाइक के एग्जैक्ट इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो MT125 के अंदर एक 125cc की सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूलिंग सिस्टम वाली इंजन का यूज किया जा रहा है, जो 15 bhp तक की मैक्सिमम पावर और 11.5 Nm तक का टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम होगी विद 6-speed गियरबॉक्स, जो लगभग ड्यूक से सिमिलर है, क्योंकि ड्यूक आपको 14.3 bhp तक की पावर और 12 Nm तक का टॉर्क इजीली दे देती है. तो पावर के मामले में दोनों बाइक्स काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको इनके प्राइस में देखने को मिलने वाला है, जहां KTM ड्यूक 125 आपको 1.78,000 एक शोरूम प्राइस रेंज में दिया जाता है, वही MT125 आपको बस 1.30 से 1.40,000 एक शोरूम प्राइस रेंज के अंदर ही लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी.